हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी ग्रुप 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के, और ये पार्ट 6 है। मुझे उम्मीद है आपने पहली वीडियो देख ली होंगी, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि आरआरबी ग्रुप 2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के पूरे चांस है। तो पहला क्वेश्चन, किस भारतीय को 2022 में लॉरेंस बर्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को नॉमिनेटेड किया गया ये अवार्ड देने के लिए। अब नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर मतलब भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था, और यह अंबुबाजी जॉर्ज के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक में स्वर्ण पदक को जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। मतलब ये दूसरे भारतीय हैं, और पहले अंबुबाजी जॉर्ज थे। और इसी तरह इनका खेल जो था नीरज चोपड़ा का था, मतलब नीरज चोपड़ा का जो खेल था वो था भाला फेंक। तो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 57 किस ब्लॉक से रिलेटेड है या संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है। और संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में कौन से ब्लॉक को कहा जाता है? तो डी ब्लॉक को कहते हैं संक्रमण तत्व, और इसमें मैक्सिमम जो मेटल ही है। और दूसरे तरीके से भी पूछते एग्जाम में क्वेश्चन, धातु और उपधातुओं में मतलब ये कौन से ब्लॉक में पाई जाती हैं? तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये पी ब्लॉक में पाई जाती हैं। और एस ब्लॉक को क्षारीय धातु या अल्कलाइन मेटल भी कहते हैं। और एग्जाम में भी पूछते हैं क्वेश्चन, जो जिगजैग लाइन होती है वो कौन मतलब कि किस चीज़ को अलग करती है? तो मेटल को नॉन मेटल से अलग करती है जिगजैग लाइन, जो मेटलॉइड है यानी कि वो उपधातु है, जिगजैग लाइन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर पीलिया अंग से प्रभावित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया था संविधान सभा के। और संविधान किसने लिखा यही पूछते एग्जाम में, तो ये मतलब कि अपने हाथों से हमारा संविधान प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा है। वो एक कौन थे? वो कैलियोग्राफी आर्टिस्ट थे। और ये भी एग्जाम में पूछते कि संविधान दिवस ये हम कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, और ये 2015 से स्टार्ट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेलिब्रेट करना। और 26 नवंबर को हम एक और दिवस मनाते हैं, और 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। अब यही पूछते एग्जाम में कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं, यानी विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया? तो मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब और किसके बीच हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये। तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को, डेट काफी इंपॉर्टेंट है इसकी, एक बार रिवाइज करते हैं। 24 सितंबर 1932 को हुआ पूना पैक्ट, और किन के बीच हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ये कौन सी जेल में हुआ था? पुणे की यरवदा जेल में हुआ था ये पैक्ट जो हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनसी के 1916 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की। जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ मतलब लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल को फिर से एक साथ मिलाया गया था। मतलब कि जो पहले एक अधिवेशन की मतलब 1907 में एक सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल का मतलब कि विभाजन हो गया था, यानी कि एक ये मतभेद हो गया था। ये 1916 में नरम दल और गरम दल को आपस में मिला दिया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो इसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार में 1916 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो टोटल 32 होते हैं, लेकिन इनको डिवाइड किया गया है, वैसे 4 तरह के होते हैं, देखते कौन कौन से। पहले कृतंक होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, सबकी संख्या याद करनी जरूरी है। पहला कृतंक, जो इंसीजर होते हैं, जो काटने का दांत होता है, जो 8 होते हैं टोटल। और ये पूछते जो स्माइलिंग टीथ होते हैं, वो भी इंसीजर ही होते हैं, मतलब जब आप स्माइल करते हो तो कृतंक ही होते हैं जो सबसे पहले दिखते हैं, इंसीजर, जो की संख्या में 8 होते हैं। दूसरे हो गए बेधक, रदनक, जो कैनाइन यानी कि जो नुकीला दांत हो गया, वो 4 होते हैं। और दूसरे और तीसरे तरह के हो गए अग्र चवर्णक यानी प्री मोलर, जो की संख्या में कितने 8 होते हैं। और अग्र चवर्णक ये बच्चों में नहीं होते हैं, बाकी सारे दांत होते हैं, लेकिन अग्र चवर्णक स्टार्टिंग में जो बेबी होते हैं उनमें नहीं होते हैं। और चवर्णक जो होते हैं यानी मोलर, ये चबाने का दांत होता है, जो टोटल 12 संख्या होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज ये कहाँ है, मतलब कि कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर यह पुल पेरिस के एफिल टावर से भी करीबन 35 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई 1315 मीटर है। और एफिल टावर जो कि फ्रांस की राष्ट्रीय स्मारक है, एफिल टावर उससे भी ऊंचा बनाया जा रहा है। किस कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? जो मसल्स है उनकी संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है, जिसमें से 400 मांसपेशियां पंक्तिबद्ध होती हैं। और ये मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। टेंडन, कंडरा, मतलब कि इससे दो टेंडन हुए, लिगामेंट हुए, ये कनेक्टिव है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना, वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में कई हो गए, जैसे टेंडन हुए, लिगामेंट, कार्टिलेज और ब्लड भी। ब्लड भी हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि तरल संयोजी ऊतक है जो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है। और जैसे टेंडन हुए, टेंडन यह एक, टेंडन को हिंदी में कंडरा, यह एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, इसे टेंडन कहते हैं। और एक होता है लिगामेंट, लिगामेंट जो एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, वो लिगामेंट। और ये पूछते हैं एग्जाम में कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो हमारी यानी थाई में होती है, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो हमारे ईयर में होती है। और जो मतलब कि एक एक क्वेश्चन इसी तरह के और पूछते हैं, जैसे कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में एक रहता होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज जो होता है उसकी सेल पूछते हैं एग्जाम में, मतलब जो कार्टिलेज होता है जिसको उपास्थि कहते हैं, उसकी सेल किस चीज़ की बनी होती है? तो उसकी सेल बनती है कॉन्ट्रोसाइट, कॉन्ट्रोसाइट की सेल बनी होती है कार्टिलेज की, और वो भी कनेक्टिव टिश्यू ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ईईजी, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सेल्फोग्राम, इलेक्ट्रॉन सेल्फोग्राम का उपयोग किया जाता है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए। एक इससे मतलब इसके सिमिलर होता है ईसीजी, सेम सेम, लेकिन सी और ई का फर्क है। सी ईसीजी इसके इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हार्ट से रिलेटेड है। और इसी तरह एग्जाम में ये पूछते हैं कि जो हमारे हार्ट है, हार्ट में जो बाई साइड होता है ये, और ये यानी कि बाई साइड होता है हमारे, जो लेफ्ट साइड होते हैं बॉडी में, वो वहाँ पे प्योर ब्लड होता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और दाएं साइड यानी राइट साइड जो होता है वहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। अब ऐसे ब्रेन से रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्रेन, ब्रेन का वजन कितना होता है? ब्रेन का 1400 ग्राम एवरेज वेट होता है। और जो ब्रेन होता है इससे हम जो ग्लैंड, ग्लैंड ग्रंथि, ग्रंथि जो होती है, जो कि मतलब कौन कौन सी ग्रंथि निकलती है इससे है? ग्रंथि वो होती है जो कि दो तरह की होती है ग्रंथि, एक तो अंतःस्रावी बहिःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती है जिससे कोई ना कोई हार्मोन निकलता है, और बहिःस्रावी ग्रंथि वो होती है जिससे कोई ना कोई एंजाइम यानी कोई लिक्विड रिलीज होता है, जैसे कि बाइल जूस हुआ और हार्मोन हुआ, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागन। और जो ब्रेन, ब्रेन में कौन कौन सी ग्रंथि होती है ये पूछते हैं, तो ये होती है तीन तरह की ग्रंथि पाई जाती है ब्रेन में। कौन सी? एक तो हो गई हाइपोथैलमस, जिसको सुपर मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और दूसरी हो गई पीयूष ग्रंथि, जिसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सुपर मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी ग्लैंड यानी ऑलमोस्ट जितने भी ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करता है। और तीसरी हो गई पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि इसमें पाई जाती है, जो कि जिसको जैविक घड़ी भी कहते हैं, क्योंकि वो इसलिए कहते हैं इससे एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि जैव हमें सोते समय रिलीज होता है, मतलब सोने और जागने की क्रिया को कंट्रोल करता है मेलाटोनिन। इसी तरह कई केमिकल है जो ब्रेन से निकलते हैं, जैसे कि डोपामिन और सेराटोनिन और मेलाटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में तपेदिक यानी तपेदिक टीवी दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था इट इज टाइम, इट इज टाइम 2020 का विषय था। और 2021 जो हुआ था इसका क्लॉकिंग इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। अब टीवी मतलब जो टीवी दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, ये पूछते हैं। 24 मार्च को टीवी दिवस मनाया जाता है। जो टीवी है ये कौन सी मतलब किससे होने वाला है? कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ वायरस से होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होते हैं। जो टीवी जो होता है ये मतलब बैक्टीरिया से होने वाली है। और ये मतलब कि किस बैक्टीरिया के कारण पूछते हैं, इसके नाम पूछते हैं एग्जाम में, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है टीवी। और इसके उपचार के लिए बीसीजी की वैक्सीन दी जाती है, और इसका इसकी फुल फॉर्म बेसिलस कालमेट गुआरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात दीपों का शहर किसे कहते हैं? तो सात दीपों का शहर मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी जीवी कोशिका जो लिविंग सेल वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा।
माइक्रोप्लास्ट सबसे छोटी जीवित सेल है। ये पूछते हैं एग्जाम में कि मतलब कि जो सेल की स्टडीज होती है उसको कहते हैं साइटोलॉजी, और सेल की मतलब सेल को इन्वेंटेड किनने किया, जो कोशिका है इसकी खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो कि डेड सेल थी। लिविंग सेल किनने इन्वेंटेड की, ये मतलब कि ये एंटोलिवेन न्यूवेल हॉक ने लिविंग सेल को इन्वेंटेड किया, और न्यूवेल हॉक ने ही बैक्टीरिया को इन्वेंटेड किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्माइल साइबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं ये, और मलेशिया की कैपिटल कुआला लामपुर है, और मलेशिया की जो करेंसी है वो इसकी करेंसी है मलेशिया रिंगगिट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।